तो मतलब अब जैसे आपके परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो आप? बस ये 2500 रुपए पेंशन है जी। अच्छा। थोड़ा बहुत हमें मांग मूंग का गुजारा कर लूँ जी। सर ना तो मेरा कोई राशन कार्ड है और ना मेरे कोई बच्चों की पढ़ाई है, सिर्फ मेरी लात कटी हुई है और मैं मांग के गुजारा कर लेता हूँ। आपको बता दें कि सरकार की ओर से सिर्फ एक पेंशन तो इस व्यक्ति की बनी हुई है और जो सरकारी स्कीमों का बेनिफिट है वो अभी तक इसको नहीं मिला है। तो आपकी वाइफ है जैसे, वो भी नहीं बीमार है जी, वो तो मतलब थोड़ा है। वो कब से बीमार चल रही है? 3 साल से। नमस्कार, ये जो व्यक्ति आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये आपको बता दें कि राज्य मंत्री कमलेश डांडा के हल्के गांव सेरदा का रहने वाला जसवीर नामक व्यक्ति है। आपको बता दें कि 2012 में इस व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में ये टांग है वो अपनी गंवा देता है। अब ये अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो पैसे मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, आपको बता दें कि सरकार की ओर से सिर्फ एक पेंशन तो इस व्यक्ति की बनी हुई है और जो सरकारी स्कीमों का बेनिफिट है वो अभी तक इसको नहीं मिला है। और इसकी जो पत्नी है वो भी बीमार है और कल ही हॉस्पिटल से जो छुट्टी उनको मिली है अब ये घर छोड़ के आए हैं। आइए क्या कुछ पूरा वाक्य है इस व्यक्ति से ही हम जान लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और इस जो गरीब व्यक्ति जो तस्वीर आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसकी मदद है वो हो सके। तो आइए पूरा वाक्य क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। हाँ जी जसवीर जी, नमस्कार। सर ना तो मेरा कोई राशन कार्ड है और ना मेरे कोई बच्चों की पढ़ाई है, सिर्फ मेरी लात कटी हुई है और मैं मांग के गुजारा कर लेता हूँ। ना ही मेरा कोई बस का पास है जी। नहीं मतलब जैसे ये टांग बोल रहे हो आप, टांग कैसे टांग मेरी 2012 में कटी थी, पहले मैं उससे पहले दिहाड़ी करता था जी। कैसे कटी? ट्रक वाला टक्कर मार के चला गया था सर जी। हाँ जी। तो मतलब तो मेरा गुजारा नहीं होता जी, पेंशन तो है मेरा, ना कोई राशन कार्ड है ना कोई बस पास है, तो मैं तो ऐसे मांग मांग के गुजारा कर लेता हूँ जी। मतलब कौन से हल्के से हो, कौन सा गांव आपका? मैं गांव सेरदा है मेरा जी, जी कलयात हल्का है जी। तो जैसे एक्सीडेंट में आपकी टांग जैसे गंवा चुके हो आप, तो इसके बाद आप मदद के लिए कहां कहां गए? बस अपने कैथल में ही, और तो मैं कहीं नहीं गया जी। नहीं मदद के लिए किसके पास गए आप? मैं कमलेश डांडा के पास भी गया हूँ, भाई मेरा पास बनना चाहिए, ये मेरा राशन कार्ड बनना चाहिए, मेरा कुछ नहीं बना आज किसी ने जी, जिसमें हमने वोट भी दे रखे जी, इनका गिल फिर आऊँ जी, मैं खूब जमा जी, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई जी। डीसी का भी गया हूँ मैं, मेरा पास बनवाया जो जी, मैंने कड़ी बिठाया जो जी चौकीदारा में, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी जी। जी तो मतलब अब जैसे आपके परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो आप? बस ये 2500 रुपए पेंशन है जी। अच्छा। थोड़ा बहुत हमें मांग मूंग का गुजारा कर लूँ जी। जी तो मेरा ये ऐसे टाइम पास हो रहा है। तो जो डेली का रूटीन है कैसे घर से चलते? डेली का नहीं, डेली में कभी कभी आ जाता हूँ, बस डेली तो नहीं मैं आ सकता, कभी कभी आऊँ जी मैं। तो बच्चे कितने आपके? बच्चे 3 हैं जी। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। तो आपकी वाइफ है जैसे, वो भी नहीं बीमार है जी, वो तो मतलब थोड़ा माइंड है ना बिल्कुल। वो कब से बीमार चल रही है? 3 साल से जी। उसका इलाज कहाँ चल रहा है? पूरे इसमें पीजीआई में था जी। अब इलाज हो गया उसका या नहीं है? नहीं जी, बस वो तो घर ले गया अब तो बस। अच्छा, मतलब काम नहीं कर सकती वो? नहीं जी। तो उसके इलाज का जो खर्च है? बस मैं ही चला रहा हूँ जी। अच्छा, तो उसके इलाज के लिए भी आप मतलब किसी के पास गए हो? ना ना ना, किसी के पास नहीं, मैं तो 2500 रुपया मिला उसी में तो हमारा गुजारा कर लिया थोड़ा बहुत जी, और उसी में दवाई पट्टी दवाई लेता हूँ जी। जी, जी। तो जैसे 2500 रुपए में परिवार का गुजारा हो जाता है? नहीं होता जी। तो अब मांगने के लिए मजबूर हो आप? हाँ जी। तो मतलब अगर प्रशासन की ओर से कोई मदद आपको मिल जाए तो जैसे आप मांग रहे हो और मांग रहे हो तो ये छोड़ दोगे? ये तो छोड़ देंगे जो कोई बढ़िया काम करवाए दो मेरा। अच्छा। बढ़िया काम करवाए जो कड़ी बिठाए दो चौकीदारा में स्कूल में कड़ी भी छोड़ देंगे, जरूरी है जी, मैं तो बहुत मजबूर हूँ जी। तो जैसे आप राज्य मंत्री के पास गए तो क्या कुछ आश्वासन वहाँ से मिला था? नहीं, उन्होंने तो ये बोला था जी भाई देखेंगे कोई जगह होगी, तो जब से बन रहे हैं मैं हर संडे को जाता था लेकिन मैं अब नहीं जाता उनके पास। अच्छा। मैंने जाना छोड़ दिया उनके पास, कुछ सुनाई नहीं करता जी हमारे। तो जैसे डेली आप मांगते हो मतलब कितने रुपए हो जाते हैं? कुछ नहीं होता जी, क्या होगा 400-500 रुपये हो गए, आटा पट्टा जो गए। तो जैसे सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड योजना है वो बना आपका? ना जी। वो भी बना? ना जी। जैसे बहुत से लोग जैसे आप मांग रहे हो जैसे मांग कर मतलब शराब वगैरह या बीड़ी वगैरह वो पीते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका? ना ना जी, मैं तो बीड़ी तक नहीं पींदा ना कोई शराब पींदा जी, पूरे हॉस्पिटल में गवाही दवाई दूंगा, शहर में दवाई दूंगा, किसी ने पींदा देखा हो कड़ी लिटिया देखा हो, मैं तो सिर्फ अपना बच्चा कारण बच्चों के लिए आप। तो ये थे गांव सेरदा के जसवीर जिनको मदद की दरकार है क्योंकि ज़रूरतमंद व्यक्ति है। आप देख सकते हैं कि 2012 में इस जसवीर की जो एक्सीडेंट में
टांग है वो चली गई थी, उसके बाद से अपने परिवार का पालन पोषण के लिए ये मांगने को मजबूर है, क्योंकि राज्य मंत्री कमलेश डांडा के पास भी ये कई बार जा चुके हैं, वहाँ रोजगार की डिमांड भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनको रोजगार भी नहीं मिला है। और सरकार की कोई स्कीम है जैसे आयुष्मान कार्ड है या और भी जो स्कीम है, उनका भी लाभ इस व्यक्ति को नहीं मिला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जसवीर की मदद के लिए हाथ हैं वो आगे बढ़ सकें और इस जरूरतमंद व्यक्ति की जो मदद है वो हो सके।